हाय हैप्पी बर्थडे। थैंक हैप्पी बर्थडे ब्रो, हैप्पी यू कौन बर्थडे। बोलेगा, जल्दी बोल जोर से। ब्रो लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, मैं खा लेती हूँ, है ना ब्रो। तुम्हारा ब्लॉग बन रहा है, तुम्हें पता नहीं है सजो सबरो ऐसे ऐसे है इस टाइम मार्क। कैसे कैसे लगो। चल ब्रो बाय, कल मिलते हैं। अब हैप्पी बर्थडे ब्रो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नहीं सॉरी, हाँ ये कर लो पहले। तो आज है 9 दिसंबर और पीछे का क्लिप देख लिया होगा, किसी का बर्थडे तो है आज। वो है किसका, हमारी एक पार्टनर बाबू भैया का बर्थडे है। तो हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, तो आज के ब्लॉग में आपको यही सब देखने को मिलेगा और हमारी गंदी सी हरकतें। 12 बजे तक निकल जाएंगे हम कहीं ना कहीं घूमने। दोस्तों 12:20, हैप्पी बर्थडे ब्रो। ब्रो आपने हैप्पी बर्थडे बोल दिया, नहीं ब्रो एक बार और बोल दो। नहीं मेरा ही बर्थडे है ब्रो, मुझे बोला जबरदस्ती का बर्थडे ये इसका बर्थडे नहीं है, मेरा बर्थडे, मुझे बोला हैप्पी बर्थडे। लो ब्रो, हमने कष्ट नहीं करा इसमें रैप करने के लिए, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हम। धन्यवाद। तुम आज ये पहनोगी? ओके यस। तुम खुश नहीं लग रही हो ब्रो? यस ब्रो, ओह माय गॉड। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। आर यू एक्साइटेड? पिंक कैसे लगा ब्रो? वाह। 2 hours later। तो अब हम तैयार हो चुके हैं। दिखा देता तो ये 2 घंटे लगे हमें इतना सजने संवरने में। अब ये पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं। इधर आओ ब्रो, थोड़ा सा ऐसे। ये लोकेशन देख लो पहले, ये इस खूबसूरत महिला के बर्थडे बर्थडे के लिए हमने चूज करा है। ओके अच्छा है ब्रो, फोटो शूट करेंगे। ये लोग हैं, यस ये मॉडल मॉडल जहाँ तो मैं आ रखी हूँ आजकल, वहाँ तो बिल्कुल ही धूप नहीं, भगवान कहाँ से धूप आए। गाइस ये देखिए यहाँ पे फोटोशूट चलते हुए, हमारी बर्थडे गर्ल पोज तो देखो मैडम का। एक ये हमारी ब्लॉगर। मैं रिपोर्टर रिधिका राणा बताना चाहूंगी कि ये बच्चे मुझे भूखा मार रहे हैं मेरे बर्थडे के दिन, और खुद ऐसे अमीरों की तरह फोटो खींच रहे हैं। पिज्जा लेने के बाद ये औरत मुझे कहती है कि इनने मेरे लिए व्रत रखा। मुझे भूख लग रही है यार, सुबह से बस एक रोटी खाई है मैंने, दया करो। क्या ये बिना गांजे के नशे हैं जो आप अभी देख रहे हैं। ये Let's have some snacks. तो क्या आप भूख से परेशान हैं मेरी तरह? खाइए 10 रुपए दे तुरतुरे। ये देखे नहीं लगे ना, तब देखना तुम्हारा थोपड़ा फोड़ना है मैंने। ये देख ये है लड्डू चाहत की असलियत। तो अब हम जाने वाले हैं जंगल के अंदर। दोस्तों मैं पागल लग रही हूँ ना। देखो पहले ब्लैक पहनने चाहिए कि वाइट? आई थिंक ब्लैक। ये एक ही लोकेशन में फोटो खींच रहे हैं, इतनी सारी जगह है यहाँ पे, मतलब इतना पूरा घूमने को है, तब भी इधर नहीं आ रहे हैं कहीं। तो अभी हम चीज रखेंगे यहाँ, खाएंगे सब। ओ कैमरा मैन बहुत है, फोटोग्राफी इतनी। मैं तेरे ब्लॉग में आ रही हूँ, मेरे पास बहुत फोन है गाइस, जिसको लेना हो मुझे संपर्क करें। 10 में 1, 10 में 1, 10 में 1। बस ज्यादा महंगा नहीं है, 10 का 1 है। ओके तो सारे फोन है मेरे पास। बिचारी ये भिखारी इंसान। हे यू, आज तुम कुछ नहीं बोल रही हो ब्लॉग के लिए? थक गए हो तुम सब फोटो खींचा खींचा के? किससे? दुनिया वालों। आज इनकी एक छोटी भूत की आत्मा मर चुकी है। हैप्पी बर्थडे चिम्मी। हमारे खाने का व्यू मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगी ब्रो। सबसे वाला पिज्जा खाने को लग रही है, तंदूरी वाला के लिए गाड़ियां लगाई ताकि ये लोग खाना इसके ऊपर रख सके। और ये देखो हम
अपने संस्कार नहीं भूलते, हमारे संस्कार खाते हैं, हम डाउन टू अर्थ लोग हैं, झूठ है, झूठ ये फेक है, ये कैसे लगे? नो नो नो, मैं बैठ के ही खाती हूँ। ये प्रथा निभाते हुए सबसे बड़े को पहले खिलाते हुए। इतना मेकअप किया मैंने ऐसे ही। हमारी आइकॉनिक ये लबू बोलो को ट्यूशन भी तो जाना है। चार बज गए। मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। दो ऐड करो। दोस्तों ये दो रह गए। पापा तुम्हें फोन दुआ ले। पता चल गया। ओ भाई। रुको मैं निकल। अरे हमारी अच्छी आदत भी बताओ। हम अपना कूड़ा लेके जा रहे हैं। ये खुद भी कचरा है। अभी हम साक्षी दीदी के घर में आए हैं। अभी हम किटू के घर इसलिए नहीं गए क्योंकि उसको पता चल जाता हम उसको सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। तूने कुछ नहीं सुना ठीक है? दोस्तों मैं सरप्राइज का कुछ प्लान कर रही थी तब तक किटू आ गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरप्राइज बहुत चुमेश्वरी लग रहा है मेरे तो। ये है डेकोरेशन की गई है हमारी। आप कुछ दो शब्द बोलेंगे आज जिनके बर्थडे में? दो भी आज चार कैसा लगा वो आपको इसका लुक आज? मेरी मम्मी एक जो भी तारीफ कर सकती है। ब्रो कैसा लगा तुम्हें? ये साक्षी दीदी का आइडिया था। धन्यवाद ब्रो, आई लव इट। धन्यवाद प्रणाम कीजिए। खुश रहो। एक आशीर्वाद है ये तुम्हारे। ये क्या है? बाबा तालियों के साथ स्वागत किया जाए हमारे हमारे राइजिंग स्टार का। इंग्लिश गाना नहीं चलेगा? नो आएगी तो एक बार दुकान में रुकना ठीक है पक्का। ये देखना इस शख्स को अपना बच्चा लेके घूमती है। ये इसका बर्थडे गिफ्ट है। नाउ
कैमरे से शर्माने वाली लड़की आ जाओ चुपचाप से। हाँ तो हम अभी सारा एक्सपोज करेंगे। ये हो रहा है टाइम। हाँ कितना टाइम 47 48 10 48 48। तो क्या किट्टू राणा आपको पता चल गया था हम आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं? यस मुझे पता चल चुका था कि मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था ये सरप्राइज मेरे ही घर में होने वाला है। ओके पर तुम्हें किस शख्स ने हिंट दिया कि सब होने वाला है? मुझे तब हिंट मिल गया था जब तुम लोगों ने बोला था कि इसको मत लेके जाना, इसको मत लेके जाना अभी। और जब मैंने इसकी हिस्ट्री में केक की पिक्चर देखी थी इनके साथ। हाँ आओ बात करिए हमारे साथ। तो दोस्तों बताओ कैसा लगा तुम्हें हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन? फोन मिल रहा है तुम फीका फीका करते हो दोस्तों। यस हमारे पास प्रो प्लेयर है। तो ब्रो आपको कौन सा पार्ट मेरे बर्थडे के दिन का सबसे ज्यादा अच्छा लगा? मुझे तो बस मेरे डांस अच्छा लगता है। एंड ब्रो आपको? जब हम वो खा चीज खा रहे थे गोबर वाली जगह। ये बता दे तुम, ये बता दे हम व्यूअर्स को। हमने तब नहीं वहां जाके बैठ गए जहाँ चारों तरफ गोबर ही गोबर, बस एक छोटी सी जगह खाली जाओ बैठे थे। कोई बात नहीं, गौ हमारी माता है और उसका हगावा हमारे पूजा में होता है। उसका हगावा हमारे काम आता है। दोस्तों आज की वीडियो यही थी और समाप्ति की, और अब हम सोएंगे। आप आपको अपने डांस के अलावा? हाँ डांस डांस की बात कर रहे हैं ना, इन्होंने एक भी वीडियो बनाने नहीं दी डांस डांस की। हम प्रोफेशनल डांस है ना, हम ऐसे शो ऑफ नहीं करते हम लोगों के सामने, ठीक है? डांस नहीं दिखा सकते लोगों को। ऑफ कोर्स किसी दिन मौका मिला तो मैं जरूर इन दोनों का डांस हम लोगों को दिखाऊंगा। और इसका चैनल यूट्यूब वाले रिपोर्ट मार देंगे, हमारा डांस इतना तशरीफ जलाने वाला है। तो यार बस 11 ही बज रखे लेकिन बहुत थक गए हैं। हाय हाय राइट दोस्तों, बहुत ही ज्यादा दे रहे हैं हम तो, इतना तो जिंदगी में नहीं दे रहे थे। यार कितनी बार बोल दिया मैंने दोस्तों, बाय खत्म टाटा बाय बाय। कुछ बोलना है अभी? नहीं अभी तो एंटरटेनमेंट शुरू हुआ है। कैंडी होंगे इसी टकला बनाएंगे, तारे नहीं पसंद तैनु। अब तो बोलना ये काम जो हो जाती ब्रिस्पना पुल ले जावांगे तू अल्लाह ना 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 पता लगा बेटे। मुझे सबसे ज्यादा क्या मस्त लगा खाने में? हाँ ट्रफल केक, केक उसके अलावा कुछ और कुछ था ही नहीं। चाउमीन मोमोज इस पागल औरत को मैंने 50 बार बोला मुझे पिज्जा इतना अच्छा लगा। तुम गो हमारी माता है हमको। ओके दोस्तों समाप्ति की और 1 2 3 गो।